हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड अ ब्रांड न्यू वीडियो। होपफुली आप तो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम एक DIY के बारे में बात करेंगे जो कि रिप्लेस करती है फाउंडेशन को, और जिसे हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। हम उसको घर पे बनाएंगे और उसको मैं फ्रेशली बना के यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर। आप चाहें तो उसे 15 डेज़ के लिए बना कर रख सकते हैं। हमें DIY बेबी क्रीम के लिए सबसे पहले ये फाउंडेशन चाहिए। किसी भी कंपनी की फाउंडेशन ले लें, मेरे पास डर्मा प्लस की है। इसका शेड नंबर है 2, अगर आपको नज़र आ रहा शेड नंबर 2 है। मैं इसको बनाती हूँ फ्रेश। आप इसको बना के 15 डेज़ के लिए रख सकते हैं। 15 डेज़ का रेशो क्या है वो मैं आपको बता दूँगी। ये मैं लूँगी इसको हाफ़ टी स्पून ये ले लिया। उसके बाद मैंने 1 पम्प जो है ये देखे, ये हुदा ब्यूटी का मेरे पास प्राइमर है, मैंने इसका लिया है। और तकरीबन ये मेरी यूज़ का है मॉइस्चराइज़र, तकरीबन इतना ही मैंने, आपको नज़र आ रहा हूँ, ये इतना ही मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी ये तैयार है, इसमें लगा हुआ है। ये हमारी बेबी क्रीम रेडी हो गई है। आइए हम इसको करते हैं अप्लाई। अब हम इसको अप्लाई करेंगे जो हमने बेबी क्रीम बनाई है। कोई भी बेबी क्रीम या कोई भी फाउंडेशन या बेबी क्रीम, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटरिंग होती है, तो वो सबसे पहले बर्फ़ लगा लें। ये मेरे पास बर्फ़ है, चाहे तो आप आइस फेशियल कर लीजिए। आइस फेशियल करने का तरीका ये है कि बॉल में बहुत सारी बर्फ़ लेकर 1 मिनट तक अपने पूरे फेस को उस पानी में डिप करें। वो भी मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊँगी वो कैसे होता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये आइस क्यूब है, मैं इसको अपने पूरे मुँह पर लगा लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से मैं इसको कपड़े में रखकर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो रैश हो जाते हैं, तो मैं जस्ट इसको डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। पूरी बर्फ़ आप इस तरीके से लगा लीजिए, लगाने के बाद इसको ड्राई कर लें। ये मैंने अपने फेस पर, आप देख रहे होंगे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पूरे फेस पर, स्पेशली टी जोन एरिया जो है, फोरहेड, नोज और अपर एंड लोअर लिप एंड चिन, ये पूरा पार्ट हमारा जो है, ज़्यादा मेरा ऑयली होता है, इसकी वजह से मैंने इस चीज़ को ज़्यादा कवर किया है। तो अब मैंने पूरे फेस पर आइसिंग कर ली है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए वेट करूँगी कि जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने जो आइसिंग की थी वो ड्राई हो चुकी है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं कंसील करूँगी, क्योंकि प्राइमर जो है ऑलरेडी, मॉइस्चराइज़र और प्राइमर ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन में मौजूद है, जो भी हमने बीबी क्रीम बनाई है। और अभी मैं सबसे पहले अपने फेस पर कंसीलर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे इस जगह पर, यहाँ इस आई पर मेरा थोड़ा ब्लैक है यहाँ पर, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा आपका बेस सस्टेन करता है। मुझे बहुत पसंद है कंसीलर। ये मेरी नोज़ के पास भी थोड़े से ब्लैक स्पॉट है, तो मैं लगाऊंगी। अगर आपके भी ब्लैक स्पॉट हैं तो आप भी लगा लें, स्पेशली ये माउथ की साइड पर होता है, अक्सर लोगों के होता है ये माउथ के साइड पर, अपर एंड लोअर। ठीक है, ये है मेरे पास। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंसील हो गया।
नोज़ का पार्ट भी हमारा कंसील हो गया और हमारे आईब्रोज के सॉरी आईज के नीचे भी हमारा कंसील हो गया। हमने इसे कंसीलर लगा लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने आईज के लिट पर भी जो है यहाँ पे भी कंसीलर लगाया है। अब हम करेंगे ब्रोज। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारी बीबी क्रीम है जो हमने अभी बनाई थी, हम उसको टैप करके पूरे फेस पर लगा लेंगे। जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड है लगा लें। अगर आपकी बेस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है, तो आप डार्क ब्राउन कलर का कंसीलर लगा लें। डार्क ब्राउन कलर का कंसीलर, लेकिन बहुत ही थोड़ी, मतलब 0.1% आपको उसको ऐड करना है, क्योंकि के लगने के बाद बहुत ज़्यादा फैलता है। वो वाली ट्रिक भी मैं आपको बता दूँगी किसी मेकअप की एक और वीडियो में कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमने लगा लिया, अब हम इसको टैप करेंगे। स्पेशली कॉर्नर नोज, ये बहुत क्यूट सा, मेरे पास छोटा सा ब्लेंडर है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये मेरे फेस को सूट करता है, वरना जो बहुत एक हार्श आता है ना, वो मेरी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देता है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती। ठीक है, आपके पास जितनी भी, मैं तो डेली फ्रेश बनाकर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश ज़्यादा सही लगती है बनिस्बत रखी हुई। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत रह गया है, तो आप उसे लगा कवर अप करने की जरूरत है। बहुत अच्छे से इसको कवर कर लो। ये मैंने अपनी फाउंडेशन सेट कर दी है, कंप्लीट सेट हो चुकी है। अब मेरे पास ये है मिलानो का कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत माइल्ड सा लगाएंगे हम कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, बस एक ही दफ़ा उसको करके आराम के लिए फेस पर लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा है ज़रूरत तो भले लगा लें, लेकिन मैं क्योंकि लेती ही बहुत कम हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मुझे और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आज चूँकि ब्राउन ड्रेस है, ये बेसिकली ब्राउन है, आपको जो है शेड में कुछ और कलर नज़र आ रहा होगा। आज है ये मेरे पास ब्राउन ड्रेस, तो मैं लाइट सा माइल्ड सा ब्राउन ही मेकअप करूँगी। सबसे पहले जो मेरी प्रोमिनेंट लाइन है उसके ऊपर मैं ब्राउन शेड लगाऊंगी। और वैसे भी आप जो लोग का लाइट बेस यूज़ करना चाहते हैं, वो आराम से इसको लगा सकते हैं।
दिन के लिए बेस्ट है ये बेस, आपको जैसे निकलना है कहीं तो आप लगा कर उसको निकल सकते हैं। जो मैंने ब्रश यूज़ किया है इसी को ही मैं पूरी आईज पर फेरूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत माइल्ड मेकअप चाहिए, बहुत लाइट सा चाहिए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर लूँगी। उसके बाद लगाएंगे लाइनर, मुझे हाफ एज पर ही चाहिए लाइनर, तो हाफ एज पर ही लगाऊंगी। लाइनर लगा के ज़रा आईज़ का लुक चेंज हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी बारी है मस्कारा लगाने की। मस्कारे के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा कंसील लेके अपनी लैशेस पर लगाऊंगी। कंसीलर देखो ज़रा सा ज़्यादा नहीं लगाना है, उसके बाद मेरे पास वही प्योर ब्यूटी का, फिट मी प्योर ब्यूटी का मेरे पास मस्कारा है, यही मैं मस्कारा अपनी आईज पर लगा लूँगी। आपने डिफरेंस देखा दोनों आईज का, मैंने मस्कारा लगा के कितना डिफरेंस आ जाता है आपकी आईज में। ये हो गया, अब हम आईज की नीचे एक लाइन लगा देंगे। अब मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल से ज़रा हाइलाइटिंग हो जाती है तो वो अच्छी लगती है। जॉलाइन प्रोमिनेंट करने के लिए नोज कॉन्टूर, उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। कंसीलर अप्लाई करके उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे कंसीलर को, ये ब्लेंड हो जाएगा।
इस बीबी क्रीम से ये होता है कि आपकी जो बेस है वो थोड़ी लाइट ही रहती है, डार्कर शेड की तरफ नहीं जाती। सेंटर जो हमने किया था कंसील करना था वो हमने कर लिया है। ओके नाउ अब हमारी बारी है कि हम अपना ब्लश लगाएं। ठीक है अब हम लगाएंगे अपनी लिपस्टिक। सबसे पहले मैं डार्क शेड दूंगी, ये मेरे पास थोड़ा सा मरून टच का शेड है, ये मैं दूंगी सबसे पहले लाइट आउटलाइन। ये हमारे लिप्स का ठीक। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ब्राउन टच देंगे। मेरे पास ग्लॉस है लाइम क्राइम का ब्राउन, आई लव इट, बहुत प्यारा शेड आता है इससे। मुझे पर्सनली आउटलाइन डार्क बहुत ज़्यादा पसंद है, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क हो भले आई शेड थोड़ा सा लाइट हो जाए। ओके नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा बाल खोल रही थी तो मैंने कहा आज चलो बाल थोड़े से बांध ले। ठीक है दिस इज़ माई फाइनल लुक। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो दूसरी वीडियो से शायद किसी हद तक बेहतर होगी। अपना कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है जब से मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है। मैंने कहा था एंड में जो है वो 15 डे के लिए बेबी क्रीम की रेसिपी बता दूंगी आपको। उसकी रेसिपी ये है कि 1 टेबलस्पून आपको फाउंडेशन लेना है, कोई भी अच्छा फाउंडेशन जो आपके स्किन टोन के हिसाब से हो और स्किन टाइप के हिसाब से हो। और उसके अलावा आपने 1 टीस्पून उसके अंदर मॉइस्चराइजर डालना है, 1 टीस्पून आपने प्राइमर डालना है। बहुत अच्छे से उसे मिक्स करेंगे तो वो क्रीमी शेड में आ जाएगी एंड इट्स लुक्स वेरी एलिगेंट। मुझे बहुत पसंद आया उसका वो क्रीमी टेक्सचर। तो वो क्रीमी टेक्सचर आप मिक्स करके उसे किसी भी कंटेनर में आप रख लें, बट कोशिश करिएगा कि 15 डेज तक ही उसे यूज़ करें और 15 डेज के बाद 16 डेज तक न्यू जो है अपना बेबी क्रीम बनाकर उसे यूज़ करें। मैं क्योंकि फ्रेशली बना के यूज़ करती हूँ मुझे वैसे सही लगता है तो, लेकिन बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होता तो इसलिए मैंने उनके लिए ये रेसिपी दी जो है वो आपको अपने साथ शेयर की है। थैंक यू। अच्छा ये बेस मैंने जो है ये बीबी क्रीम मैंने जो है काफ़ी देर से लगाई हुई है, अप्रॉक्स 1 आवर हो चुका है इसको लगे हुए, बट ज़रा सा भी अपनी जगह से नहीं हिली है, मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा जैसे हम नॉर्मली फाउंडेशन लगा के हैवी फील करते हैं। तो हमारी स्किन हमें भारी भारी सी महसूस होती है, इसको लगा के मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे आपके व्यूज़ का कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।